नमस्कार, जे न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। देश में बढ़ रहे कोरोना के कहर के रोकथाम के लिए डीआरडीओ की 2DG यानी डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। डीआरडीओ ने इस दवा को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर तैयार किया है। बता दें कि DCGI ने डीआरडीओ की डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को हाल ही में इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। डीआरडीओ के डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया, किसी भी टिश्यू की ग्रोथ के लिए ग्लूकोज का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर उसे ग्लूकोज नहीं मिलता तो उसके मरने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसी को हमने मिमिक करके ऐसा किया कि ग्लूकोज का एनालॉग बनाया। वायरस इसे ग्लूकोज समझकर खाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं है, इस वजह से वायरस की मौत हो जाएगी। यही इस दवाई का बेसिक प्रिंसिपल है। आगे उन्होंने कहा कि इस दवा से ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें इसको देने के बाद फायदा होगा और वायरस की मौत भी होगी। इससे इन्फेक्शन का चांस कम होगा और मरीज जल्द से जल्द रिकवर होगा। इसके साथ ही डॉक्टर ने बताया कि इस दवाई के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे काफी अच्छे आए हैं, जिसके बाद ही इस दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। वो आगे कहते हैं कि इस दवा को हर तरह के मरीज को दिया जा सकता है। कम लक्षण वाले कोरोना मरीज हों या गंभीर मरीज, सभी को ये दवा दी जा सकेगी। बच्चों के इलाज में भी ये दवा कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए इस दवा की डोज अलग होगी। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए JJN न्यूज़। शुक्रिया।